में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पूरे देश में लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के रास्ते पर जा रहा है राजस्थान। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है, हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं, और AICC में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। पलट साहब, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार है, आपके एक मुख्य सचेतक जाते हैं पुलिस महानिदेशक के पास, कहते हैं कि अति विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी पुलिस किससे, आप क्या? ऐसा है, कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगकाहट किसी को महसूस हुई हो, लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, उन सब ने कल भी मीटिंग ली हम लोगों ने, और सब लोग पूरे मन से एकजुट हैं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तो बहुत कांटे का मुकाबला हो तो दो पर हमारा जो बहुमत है वो 30-35 विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार को किस बात का खतरा हो। ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कुछ मंत्री नाराज हैं, जैसे विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा है, कल नहीं आया है, वो कहते भी रहे हैं कि इस तरह से अब जो सरकार की बात है कुछ नहीं है, जितने भी हमारे विधायक हैं वो सब क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, और एक भी व्यक्ति हमारा कांग्रेस का या हमारा समर्थक इधर उधर होने वाला नहीं है। तो किस चीज का डर है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। डर किसी बात का नहीं है, लेकिन अपने विधायकों से बात करना, बीजेपी अपने विधायकों से बात कर रही है, अपने से कर रहे हैं, लॉट में रख रहे हैं सर ले जाकर 8-10 दिन के लिए, तो क्या लॉकडाउन हुआ था, सब लोग इकट्ठा बैठे हैं घरों में, अलाउड नहीं है 20 से ज्यादा लोग बैठना, इसीलिए होटल में गए थे ताकि खुले में सब लोग बैठ के बात कर सके, और मीटिंग करने का बजाय हॉल में करें, खुले में मीटिंग करी, इसलिए कल होटल में मीटिंग करी थी हम लोगों ने। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि 35 करोड़ का ऑफर दिया गया है विधायकों का, तो क्या कोई आप लोगों को विधायक आके बताया कि ऑफर दिया गया? ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी, हो सकता है इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने या महेश जोशी जी ने बात करी हो, लेकिन जहां तक विधायकों की बात है, सब विधायकों से मेरी बात हो चुकी है और सब लोग संतुष्ट हैं और एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो ये क्या राज्यसभा चुनावों के अंदर जो संख्या वाले विधायकों का होता है, और इसलिए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी, ये दोनों हमारे सांसद बनकर जाएंगे राजस्थान से। नीरज डांगी को लेकर भी लोग कहते हैं, या कौन जानता है नीरज डांगी को, ऐसे उम्मीदवार ऊपर से हर उम्मीदवारी का कहीं ना कहीं कोई विरोध करता है, लेकिन जब अंतिम निर्णय ले लिया कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने, उसके बाद सब बात समाप्त हो गई है और सब मिलकर उनको जिताएंगे। ये जो विधायक आए हैं आप लोग आज भी बुलाए हैं, तो इन विधायकों को क्या कह रहे हैं आप, क्या आपकी आप लोग बिक मत जाना? हमारे विधायक हैं, हम उनको रोज बुलाएं, रोज बात करें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, हमारे अपने विधायक हैं, हम आपस में रोज वैसे मिलते हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि सबूत देने तो हम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी क्या बोलती है, मुझे तो टिप्पणी नहीं करनी, एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव है वहाँ कांग्रेस पार्टी जीते। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पॉलिटिकल ड्रामा का नायक कौन है, अगर आपकी सरकार है तो आपके पास पुलिस है, आपके विधायक है जिन्होंने आपको शिकायत की थी कि बीजेपी की तरफ से 35 करोड़ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े इसका वजह मानी जा रही है। देखिए, कुछ भी कहें, सचिन पायलट जो इनके करीबी मंत्री थे, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये नहीं गए हैं, इनके करीबी विधायक हैं राकेश पारिक, अभी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा रिजॉर्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सचिन पायलट चूंकि एक प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए अपना एक ब्रेव फेस सामने रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ के जो विधायक हैं वो बहुत खुश नहीं है, कांग्रेस में इस बात को पता है, इसलिए वो बीजेपी पर ज़्यादा डाल रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ के खिलाफ इनके पास बहुत ज़्यादा सबूत नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा ज़्यादा दिख रहा है।